गल कर लियो ना तुसी आ किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब सूबा कोर कमेटी आगू लखविंदर सिंह वरियाम निंग रेलवे स्टेशन से खड़े हाँ अज जरा वा दिते हुए समय के मुताबिक जो पिछले लंबे समय तो चल रहा है कि भारतमाला प्रोजैक्ट के तहत बहुत सारी जमीन साड़ी जी आ रही है वह मुआवजे बहुत डिफरेंट से वो सारे तुसी पत्रकार भी जानते मेरे भी तुसी दीन दुनिया तक गल् भी सारिया पहुँचाइया तो 15 जनवरी में इतने जो धरना यही रेल ट्रैक जाम होया 29 जनवरी तो 30 जनवरी आई जी साहब न बुला के तो आश्वासन दवाया कि 15 फरवरी तक सारा मामला हल कर दिता जूगा जी जमीन के जड़े ने मुआवजे भी जोड़े आ सही दवाए जाएंगे उन्होंने अवार्ड तोड़ के नए नवे बनाए जाएंगे कुछ पोल्यूशन का था पोल्यूशन का अभी इतने जोड़ा वा अपना पंज कराइया के कोल पोल्ट्री फार्मा का वह भी ज्यों का त्यों खड़ा वा गन्ने असी फसल दी है लोगों ने जमीन अपनी जमीन चो तो वो पैसे लैन वास्ते जे बहुत ज़्यादा जे तरले कड़ने पेंदे आ वो मामला से कुछ शहीदा दिया शहीदियां हुई उन्होंने मुआवजे मिल लैने सन कुछ शहीदा के परिवार को नौकरियों का मसला से हाँ जी तो वो 30 जनवरी आई जी साहब ने इतने आश्वासन दवा के 15 फरवरी का समा लिया तो असी उस टाइम पर ऐलान किया 15 फरवरी तक इंतजार करा एक हफ्ता दे तो बाद दे के तो 20 फरवरी जरा वा गुरदासपुर दोबारा रेल ट्रैक जाम करा जी साडे काम जी साडे मसले हल नहीं होणगे तां 2 दिन असी होर दिते 22 फरवरी जरा असी रेलवे ट्रैक गुरदासपुर जरा असी रोकया गया 23 फरवरी लंबिया मीटिंगां चलिया एस डी एम साहबां नाल चलिया डी सी साहब नाल मीटिंग चली तो 24 फरवरी अर्ली मॉर्निंग मूँह नेरे दे विच डी सी साहब ने आके रेलवे ट्रैक के उत्ते आश्वासन दवाया कि जी प्रोसैस आ लंबी आ तो सानू समा थोड़ा ज़्यादा दिओ 31 मार्च तक का समा उन्होंने लिया 31 मार्च जी निकल गई आ तो असी उस वेले ही जदों डी साहब ने आश्वासन दाया नाल उन्होंने नाल एस एस पी गुरदासपुर से उस टाइम उन्होंने अमला फैला सारा से उस टाइम उन्होंने दिता से कि ठीक है 31 मार्च का समा तो बहुत लंबा तुम लै लिया ठीक है असं 31 मार्च तक का समा दें पर जे काम नहीं होंगे तो 2 अप्रैल में दोबारा रेलवे ट्रैक बटाला जोड़ा वो रोकया जाऊगा सो वो मुताबिक जोड़ा काम तो सानू दिखे नहीं कोई उस तरीके हाले जे आवाज अवार्ड है उस तरीके पे आ मुआवजा हाले उस तरीके का पोल्ट्री फार्म वाला ज्यों का त्यों आ तो कोई खास नहीं दिखा उस प्रोग्राम जो दिते हुए प्रोग्राम के मुताबिक अज 2 अप्रैल जो रेल ट्रैक जाम करेंगे आ मीटिंग उन्होंने एस डी एम साहब बैठे से लगा से पता कि एस एस पी साहब आ रहे हैं मैडम रात भी उन्होंने गलबात हुई थी तो हूँ एस डी एम साहब बैठे एस पी साहब बैठे ने तो उ आ कि जी होर समा लग सकता ये आ जे आ मतलब तुम इनू टाल दो पर टाल हूँ मौके पर जो सारी संगत आ गई तो टालना जोड़ा वो साढ़े बस तो मारे अं की जवाब देवे बहुत संगत जी ट्रालियां लैके आ चुकी है ये लगेगा मीटिंगा चलनगियाँ फिर की हों वा वो हूँ ये सरकार के पक्ष या प्रशासन ने कि छेती मुका नहीं मुका हाँ असी आम जनता बेनती करना चाहते हैं कि साड़ी वजह के नाल जे रेल ट्रैक नहीं जाम होंगे रेल ट्रैक जाम नहीं होंगे ये सरकार की तरफों रेल ट्रैक जाम कराए जा रहे हैं कि जदों कितने 15 फरवरी का समा लिया 30 जनवरी लंघी वो तो बाद समा लेंदे गए लेंदे गए हाले तक वो कम जरा कुछ भी किसी बने नहीं लग्या तो फिर असी रेल जाम करते हैं लोग जाम करते जथेबंदियां करते हैं सरकार कर दी हाँ सानू यह दस दिता जाए कि असी अपनी कोई चीज़ देिए तो पैसा ना मिले ये भी सानू दसदा भी असी अपनी फसल बेची गन्ना बेचा तो पैसा नहीं दिता जा रहा की करिए सो असी उन्होंने को जिथे वो असी साड़ी वजह ना नहीं आ सरकार की वजह ना रेल ना ट्रैक हो गए लोग जोड़े परेशान होते हैं सो दिते समय से वेख लो तेरे समय संगत आ गई इतने आके आप बैठा गलबात चलती है कि होंगे वो ते अगला जो आ सरकार के पक्ष से भी उन्हें किनती छेती मुका कि छेती नहीं मुका धन्यवाद जी जी अपनी किसान ने एक कॉल दी है धरने की जिदे रेलवे जो ट्रैक है ब्लॉक किया जाएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित होंगे ने तो असी एक मीटिंग की थी सी कि जो इशूज है पीसफुली आप ओवर द टेबल रिजॉल्व कर सकी मेन एक उन्होंने मंग सी अपने अवार्ड की आर्बिट्रेशन को जोड़े केसिस लगे हुए हैं वो 4 पिंडा का अवार्ड सुनाया जा चुका है इन्हों का हैगा कि बाकी पिंडा का भी नाल किया जाए जो कि ऑलरेडी डिविजनल कमिश्नर मैडम को लग्या हुआ है सैकेंड इशू सेगा पोल्ट्री फार्म 5 ग्राइया के क्लोजर लई वो भी साडा चेयरमैन साहब को पिया होया उन्होंने नैक्सट हदायत देती है चेयरमैन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कि उन्होंने शो कॉज नोटिस कर दिता जाए दैट इज़ द प्रोग्रेस फ्रॉम द लास्ट मीटिंग बाकी थर्ड अपना जड़े खराबे की गिरदावरियाँ पूरी कीतियां जान सो ये 3 इशूज है जिते आप काफ़ी हद तक वी हैव गुड रिजल्ट्स रिगार्डिंग दैट सो देख रहे हैं आश्वासन देखो सही दिता गया कुछ प्रोसीजर होंगे ने
ਹੁਣ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੇਟ ਵਧਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਸੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਅਵਾਰਡ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਪੀ ਮੰਗਾ ਲਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਔਨ ਦੈਟ ਬੇਸ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਪੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੀ ਆਰ ਅਵੇਅਰ ਕਿ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ।